एम टी ए आर का आई पी ओ टू हंड्रेड टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है अगला आई पी ओ आने वाला है इज माई ट्रिप का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे कंपनी का एक आई पी ओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस आई पी ओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं मैं हूष्य प्रदीप राजपूत शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में इट्स अ डेहली वेस्ड ओटी ए कंपनी ये कंपनी 2008 से बिजनेस में है एंड दिल्ली के अलावा मुंबई एंड बैंगलोर में इस कंपनी के ऑफिस हैं। अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना है तो एक बार इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करके जरूर देखें। जैसे ही आप इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा की आप इस कंपनी की वेबसाइट से एयरलाइन की टिकट बुक कर सकते हैं होटल्स बुक कर सकते हैं टूर एंड ट्रेवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं इसके अलावा बस के टिकट बुक कर सकते हैं रेलवे के टिकट बुक कर सकते हैं एंड अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हैं इस कंपनी की वेबसाइट से आप 400 से ज्यादा एयरलाइंस के टिकट बुक कर सकते हैं अप्रोक्सी 11 लाख होटल्स के आप रूम बुक कर सकते हैं इसके अलावा इस कंपनी की वेबसाइट को को यूज करके 50,000 से ज्यादा एजेंट्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस कंपनी की रेवेन्यू आती है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन कमीशन फ्रॉम एयरलाइंस टिकट बुकिंग कमीशन फ्रॉम होटल बुकिंग कमीशन फ्रॉम टूर एंड ट्रेवल पैकेजेस बुकिंग इसके अलावा इस कंपनी की वेबसाइट पर आपको काफी सारी कंपनीज

इस तरह की सर्विसेज बी टू सी मॉडल के अंदर आती हैं बी टू बी टू सी मॉडल के अंदर काफी सारे टायर टू एंड टायर सिटीज में इस कंपनी के एजेंट्स हैं जो इस कंपनी के वेबसाइट का यूज करके एंड कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज सेम टिकट बुकिंग होटल बुकिंग टूर एंड ट्रैवल पैकेज बुकिंग एंड अदर सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज बी टू मॉडल के थ्रू ये कंपनी बड़े कॉर्पोरेट्स को टारगेट करती है वहां पर भी सर्विसेज सेम होती हैं बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस कंपनी के वेबसाइट यूज कर कर टिकट बुक कर सकते हैं टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं होटल्स बुक कर सकते हैं एंड यहाँ पर ये कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट्स देती है उसके अलावा भी ये कंपनी काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जैसे कि अगर आप एयरलाइन के टिकट बुक करोगे अपनी वेबसाइट से तो एयरलाइंस आपको कुछ कमीशन देती है ये कंपनी बी मॉडल के क्लाइंट को उस कमीशन का भी कुछ पार्ट सीधे पास कर देती है इस कंपनी की बी टू ई मॉडल के अंदर पचास हज़ार से ज़्यादा कंपनीज सर्विसेज अवेल करती हैं है। इस इसमें से कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज हैं लाइक जिंदल स्टील कैशियो ड्राइव एक्सेट्रा सो so, बेसिकली ये कंपनी एक वेबसाइट ऑपरेट करती है जिससे ये काफी सारी टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस तरह के बिजनेस को मेंटेन करने के लिए आपकी कस्टमर डीलिंग ए क्लास होनी चाहिए इसी वजह से इस कंपनी का एक कैप्टिव कॉल सेंटर भी है जहां पर अप्रोक्सीमेटली वन लोग काम करते हैं एंड साथ ही साथ इस कंपनी ने एक रोबेट मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है इस कॉल सेंटर की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए अब जानते हैं इस कंपनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री टू में इस कंपनी ने बी टू बी मॉडल के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की थी ये कंपनी 2008 से ही प्रॉफिटेबल कंपनी है 2011 में इस कंपनी ने बी टू सी मॉडल में सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की एंड सबसे पहले एयरलाइन टिकट बुकिंग शुरू की 2012 में इस कंपनी ने इंटरनेशनल फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी 2013 में इस कंपनी ने टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस बेचने शुरू किए एंड 2013 में ही इस कंपनी ने अपना बी मॉडल में काम करना शुरू कर दिया 2014-15 में इस कंपनी की ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू 150 मिलियन क्रॉस कर गई थी अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दी एंड 2019 में इस कंपनी की ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू 3000 करोड़ को टच कर गई थी मार्केट पोजीशन, कंटिन्यूस प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड इंक्रीजिंग बुकिंग रेवेन्यू इन हाउस डेटा एनालिटिक ये कुछ इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं इन हाउस डेटा एनालिटिक्स क्या होता है आई गिव यू वन एग्जाम्पल हमें गूगल ने डेटा एनालिसिस करके बताया है दैट जो भी लोग आपके इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं उसमें 96 परसेंट लोगों ने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ नाइनटी सिक्स परसेंट इट्स नंबर एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी ये आपका बेनिफिट है हमारा एक सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज होगा यह हमारा बेनिफिट है एंड काफी सारे लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुंचेगी ये एक सोसाइटी का बेनिफिट होगा जिससे वो फ्यूचर में आने वाले आईपीओ के लिए एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ये एक छोटा सा ब्रीफ एंड हिस्ट्री था अबाउट दिस कंपनी अब जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में ये कंपनी बेसिकली टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड अक्रॉस दी ग्लोब टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का साइज टोटल ग्लोबल जीडीपी का 10.3 परसेंट के अप्रोक्सीमेटली है एंड ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है अभी ग्लोबल जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली 90 ट्रिलियन सो यू कैन इमेजिन टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कोविड का इस इंडस्ट्री के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है एंड अभी धीरे धीरे रिकवर करती जा रही है इंडियन टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री ग्लोबल एवरेज से ज्यादा इंपैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ कोविड अगर हम टूरिज्म स्पेंड की बात करें तो इंडियंस टेंथ पोजीशन पर स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ टूर एंड ट्रैवल स्पेंडिंग ये पोजीशन इंडिया की कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है दैट मींस इंडियन टूर एंड ट्रैवल पर ज्यादा स्पेंड करते जा रहे हैं इसी वजह से हर कंट्री की गवर्नमेंट काफी सारी सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है इस इंडस्ट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए हैं लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हंड्रेड परसेंट एफ अलाउ कर दी है इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने ई वीजा फैसिलिटी लॉन्च की है एंड एयरलाइंस का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम लॉन्च की है एंड जैसे ही एयरलाइंस का ट्रैफिक बढ़ता है इस कंपनी को एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है बिकॉज इस कंपनी की मोर देन 90 परसेंट रेवेन्यू एयरलाइंस की टिकट बुकिंग करके ही आती है इंडिया में ऑनलाइन एयरलाइन टिकट बुकिंग 15 टू 18 परसेंट के सी से कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है एंड ऑनलाइन टिकट बुकिंग में ओटीए कंपनीज का अप्रोक्सिमेटली एटी परसेंट मार्केट शेयर है इंडिया में इस कंपनी के अलावा ऑनलाइन टिकटिंग मार्केट में तीन और कंपनियां हैं विच इज मेक माई ट्रिप क्लियर ट्रिप एंड यात्रा डॉट कॉम मेक माई ट्रिप इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है एंड उसके बाद ईज माई ट्रिप क्लियर ट्रिप यात्रा डॉट कॉम ये बराबर की कंपनीज हैं कन्वीनियंस कंपेटिव प्राइसिंग एंड टेक्नोलॉजी ये ओटीए कंपनीज के कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं ये एक छोटा सा ब्रीफ था इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल इस कंपनी की रेवेन्यू एंड एसेट्स अप्रोक्सीमेटली 25 परसेंट के सी से कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं इस कंपनी की 92 परसेंट रेवेन्यू एयरलाइन टिकट बुकिंग से आती है 7 परसेंट रेवेन्यू आती है टूर एंड ट्रैवल बुकिंग से एंड होटल बुकिंग से उसके अलावा रिमेनिंग रेवेन्यू आती है अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज से इस कंपनी की ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू 136 परसेंट के हेल्दी सी से कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है इस कंपनी की नेटवर्थ 50 परसेंट के सी से ग्रो कर रही है एंड अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें टू में एक स्पेशल एडजस्टमेंट को हटा दें विच इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले तीन साल से 125 परसेंट के सी से ग्रो कर रहा है कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तभी से प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड 2019 एंड 20 में ये एक इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड कोविड के बाद इस कंपनी के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है अगर हम कैश जनरेशन की बात करें तो इस कंपनी का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगातार पॉजिटिव है एंड टोटल कैश जनरेशन भी इस कंपनी का ऑलमोस्ट हर साल पॉजिटिव है इस कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं विच सोज इस कंपनी का कलेक्शन मैकेनिज्म कंटिन्यूसली इंप्रूव होता जा रहा है ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के फाइनेंशियल का जो एक बड़ी ही रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 510 करोड़ 8 मार्च को आईपीओ ओपन होगा एंड 10 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा वन एटी सिक्स रुपीज से वन एटी का प्राइस बैंड है एंड एटी शेयर का मार्केट लॉट है इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेडी रूपीज की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी वन लैक नाइनटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी रुपीज की सिक्सटीथ मार्च को इस कंपनी की अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी एंड अगर आपको शेयर की अलॉटमेंट नहीं मिली तो सेवनटीन्थ मार्च को आपके पैसे वापस मिल जाएंगे एटीन मार्च को आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे अगर आपको शेयर की अलॉटमेंट मिल गई एंड नाइनटीन मार्च को इस कंपनी की बोथ बी एस एंड एन पर लिस्टिंग होगी ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के आईपीओ का अब क्या आपको इस आई को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं इस आई को सब्सक्राइब करना या नहीं करना यह आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आई बट इस आई को सब्सक्राइब करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि सबसे पहला है इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर इस कंपनी का आईपीओ साइज फाइव हंड्रेड करोड़ रूपीज का एंड सारा का सारा इसमें ऑफर फॉर सेल है कोई भी फ्रेश इशू नहीं है दैट मीन्स कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा जो भी आईपीओ के पैसे हैं वो सारे के सारे प्रमोटर्स के पास जाएंगे तो जैसे इस कंपनी के ऑपरेशंस आईपीओ से पहले चल रहे थे वैसे ही इस कंपनी के ऑपरेशंस आईपीओ के बाद चलेंगे और अगला पॉइंट है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली जैसे ही आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुकिंग करते हैं कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं एंड कंपनी अपना कमीशन काटकर आगे पैसे पे कर देती है ऐसे ही होटल बुकिंग या ट्रेवल पैकेज इसमें होता है जैसे ही आप इस कंपनी की वेबसाइट पर होटल बुकिंग या ट्रैवल पैकेजेस बुक करोगे ये कंपनी आपसे पैसे कलेक्ट कर लेगी उसके बाद अपना कमीशन काट कर ये कंपनी आगे पेमेंट कर देती है तो इस तरह के बिजनेस में बैड डेट होने के चांसेस नहीं होते तो इस तरह के बिजनेस करंट टाइम में काफी प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करते हैं अगला पॉइंट है इस इंडस्ट्री पर कोविड इम्पैक्ट वी नोज टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री कोविड की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्रीज में से एक है ये इंडस्ट्री दोबारा से पिकअप भी कर रही है बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है उसके बाद अगला पॉइंट आता है करंट आईपीओ पी इन्वायरमेंट आज की डेट में कोई भी आईपीओ आता है वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होता है उसकी बम्पर लिस्टिंग होती है बट लिस्टिंग के कुछ टाइम बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाता है उसके बाद अगला पॉइंट है इस कंपनी के अगेंस्ट चल रहे लीगल केसेस इस कंपनी के अगेंस्ट काफी सारे लीगल केसेस चल रहे हैं एंड इस कंपनी ने भी काफी सारे केसेस फाइल किए हुए हैं कुछ केसेस हैं जिनका अगर नेगेटिव आउटकम आता है तो इस कंपनी के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है जैसे कि इस कंपनी की सेल कम हो सकती है इज माई ट्रिप डॉट कॉम कंपनी इस डोमेन नेम को यूज करने का राइट भी खो सकती है इस कंपनी के प्रमोटर्स जेल भी जा सकते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगला पॉइंट है इंडस्ट्री कंपटीशन। इट्स अ हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में काफी बड़े बड़े प्लेयर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से इस कंपनी को अपनी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है अपने इंप्लॉयज को रिटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इस तरह की कंपनी को मेंटेन करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है यह एक छोटा सा ब्रीफ था अबाउट ईज माई ट्रिप के अपकमिंग आईपीओ का अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक like, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू